बड़ी खबर दे दी। यूपी में 125 सीटों से ज्यादा पर रुझान सामने आ गए हैं। 403 में से 125 सीटों में रुझान में नंबर वन पार्टी 67 पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बनी हुई है। एक बार भी वो समाजवादी पार्टी के पीछे नहीं गई है। समाजवादी पार्टी 55 सीटों पर, लेकिन गोवा में सभी के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस 20 पर, बीजेपी 16 पर। कांग्रेस ने 17 सीटें 2017 में हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 13 सीटें हासिल करने के बावजूद सरकार बनाई थी। सभी 40 सीटों के रुझान गोवा के सामने आ गए हैं। नंबर वन कांग्रेस 20 सीटों के साथ, बीजेपी 16 सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए वहां पर एक यानी कि 21 कुल सीटें चाहिए। और यहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर गोवा में अपनी बढ़त बनाए हुए है। गोवा में सभी 40 सीटों के रुझान में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन नंबर वन पार्टी पिछली बार की तरह कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है गोवा में। कांग्रेस ने तमाम दिग्गजों को भी तैनात कर दिया है, ताकि पिछली बार की तरह उसकी स्थिति इधर उधर नहीं होनी पाए। जबकि टीएमसी और अन्य जो हैं वो भी अपने आप में गोवा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंजाब को लेकर सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी 23 पर, कांग्रेस पार्टी 17 पर लगातार बनी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में 127 के रुझान सामने आए हैं। 66 पर बीजेपी, 58 पर समाजवादी पार्टी। ये जो बड़ा गैप था शुरू में वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर, ये जो 66 और 58 का आंकड़ा आप गौर से देखिए, 66 बीजेपी, 58 समाजवादी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है पंजाब में, और ये अपने आप में एक बेहद पूर्ण राज्य पंजाब, जिसको लेकर अक्सर हम सब ने देखा था इलेक्शन के ठीक पहले भी बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल के तमाम तरह के बयान को लेकर उठाए गए। लेकिन अगर वहां पर पार्टी आपकी आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सौरभ, तो वो दो बड़े वजह वो कौन से हैं जो आप गिनाना चाहेंगे? इस वक्त क्या बातें हैं जिसने आम आदमी पार्टी को अभी तक नंबर वन की पार्टी का दर्जा देकर पंजाब में रखा हुआ है? देखिए, ये जो केजरीवाल मॉडल है दिल्ली के अंदर, उसको पंजाब के लोगों ने बहुत सराहा। और हम लोग इतनी बात नहीं करते हैं स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की, बिजली की, जितनी पंजाब के आम लोग, मतलब पिंडों में, बिल्कुल इंटीरियर्स के अंदर जाके जब मैंने लोगों से बात की और देखा, तो लोगों को एक एक डिटेल पता है। उनको मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता है, उनको स्कूलों के अंदर बन रहे स्विमिंग पूल्स के बारे में पता है। तो एक उम्मीद जो थी वो उन्हें आम आदमी पार्टी से थी। दूसरी बात, अकाली दल और कांग्रेस दोनों पार्टियों को वो बार बार मौका देकर, वो इन दोनों पार्टियों को बहुत बार मौका दे चुके थे, और उनको पता था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, 67 पर बीजेपी, 60 पर समाजवादी पार्टी, कांटे की टक्कर। 67 पर बीजेपी, 60 पर समाजवादी पार्टी, कांटे की टक्कर। 130 के जो रुझान सामने आए हैं अब तक, उसमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। यूपी 130 सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं, और बीजेपी 67 पर वहां पर आगे, और सात सीटें पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी। बीएसपी 2 पर, कांग्रेस पार्टी 0 पर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस वक्त। बीजेपी 67 पर, समाजवादी पार्टी 60 पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे सहारनपुर नगर देवबंद में बीजेपी की बढ़त वहां पर दिखाई दे रही है, और नीचे कानपुर गोविंद नगर से सुरेंद्र मैथानी को बढ़त दिखाई दे रही है। हम लगातार एक एक उन उम्मीदवार के बारे में भी आपको नीचे ब्रेकिंग न्यूज में जगह दिखा रहे हैं। बेहद सीट से बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन 67 पर बीजेपी, 60 पर समाजवादी पार्टी, 130 के आंकड़े, 403 उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल तेजी से दौड़ाती हुई वहां पर नजर आ रही है। अंजना, उत्तर प्रदेश के रुझान में समाजवादी पार्टी 60 पर, 8 का फासला है। 68 सीटों पर बीजेपी, 130 सीटों का अभी तक रुझान आ गया है 403 में से। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर अब दिख रही है, 70 vs 59, 10 का ही फासला दिख रहा है। सैयद जफर इस्लाम। देखिए अजना जी, ये उतार चढ़ाव दिखेगा अगले 2-2.5 घंटे तक।